सल्तनत 15 अप्रैल से पीर से जुमा शब 9 बजे। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था डे, मैं तो शुरू से ही ऐसा हूं, मैं ना आपने कभी रोका ना माँ ने कभी टोका मुझे, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ मेरा रवैया गलत है। हमेशा आप इग्नोर कर देते थे मेरी बातों को, फिर इस बार दिल पे क्यों ले लिया आपने? मुझे माफी मांगने की मोहलत भी नहीं दी आपने। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर। फवाद, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? फवाद, तुमने जो कहा उससे ये तो वाजे हो गया कि तुम्हारी नजर में इंसान और रिश्तों से ज्यादा दौलत अहम है। मुझे तो लगता है कि कल कला को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे मरने दोगी, क्योंकि तुम्हारी नजर में तुम्हारी चीजें ज्यादा अहम है। मत भूलिए कि इस घर को खरीदने में और इस घर का खर्चा चलाने में मैं अपनी सारी ज्वेलरी बेच चुकी हूं। ठीक कहा तुमने, यही फर्क होता है एक मर्द और एक औरत में। मर्द कमाता है तो सारी जिंदगी बैठाकर खिलाता है, कभी नहीं जताता, लेकिन तुम जैसी औरतें जरा सा कुछ कर देती है तो फौरन जता देती है। जब तक हालात अच्छे थे सब ठीक चल रहा था, जैसे ही हालात खराब हुए तो तुम भी बदल गई। चुप था क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन जब तुम बदल गई तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरा अब तुम पर से एतबार उठ चुका है। मुझे क्या मालूम था कि हारून भाई इस दुनिया से ही चले जाएंगे? किसी को नहीं पता कब कौन सी सांस आखिरी होगी, लेकिन फिर भी इंसान इन मादी चीजों के पीछे अपने रिश्तों को, अपने प्यारों को खोने से नहीं डरता। किसके लिए लेके जा रही हो? आरेज ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अच्छा, ला मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। कहा ना मैं ले जाती हूँ। तुम्हें आरेस की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो मेरा कजन है और मुझे उसकी फिक्र तुमसे काफी ज्यादा है। कजन है तो फिर कजन बन के रहो, इससे ज्यादा कुछ बनने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती इस वक्त घर में, तुम मुझसे और आरेस से दूर ही रहो।
वो वक्त चला गया जब मैं तुम्हारी धमकियों से डर के पीछे हट जाया करती थी। और ये मेरा घर है, जिसकी तुम इतनी फिक्र कर रही हो ना, वो मेरे शौहर हैं। शौहर? शौहर भी बस कागजी है। कागजी ही सही, शौहर तो है, तुम्हारे साथ तो ऐसा भी कोई रिश्ता नहीं है। मेरे उससे कई रिश्ते हैं, वो मेरा दोस्त, मेरा कजिन और मेरा प्यार है। दोस्ती जैसे रिश्ते को मैं नहीं मानती। और जहां तक बात रही कजन होने की, तो ये कजन वाला रिश्ता भी मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखता। और बचा प्यार, तो तुम करती रहो प्यार आरेस से, लेकिन आरेस को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर उन्हें जरा भी दिलचस्पी होती ना तुम में, तो तुमसे शादी वो जरूर करते। तुम्हें ठुकरा कर बेइज्जत तो वो कर चुके हैं, इसलिए ये जो थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना तुम्हारी, प्लीज इसे बर्बाद होने से बचा दो। आपके लिए खाना लाई हूं, प्लीज खा रहे जाओ यहां से। अरे मैं मानती हूं शायद वो वक्त ठीक नहीं था मामी और मामू को सब बताने के लिए, लेकिन मैं क्या करती, उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैं भी जज्बाती हो गई। लेकिन आपको तो कम से कम अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था ना। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे तुम मत बताओ। जो तुमने करना था तुम कर चुके हो, तुम्हारी वजह से मेरे डैड की डेथ हुई। मेरी वजह से नहीं हुई, आपकी अपनी वजह से हुई है। दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना ना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चाहो यहां से। आरेज आप दूसरी गलती कर रहे हैं, भाई यहीं पर है, अगर उन्होंने देख लिया तो फिर कोई तमाशा बन जाएगा, बात खराब हो जाएगी। बात खराब होती है तो हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं। आरेज मेरा हाथ छोड़े, मैं जानती हूं आपको परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है अपने भाई की, अपनी भाभी की। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो परेशान हो। तुम और तुम्हारा भाई पहाड़ में जाओ, निकलो यहां से। Go to hell, तुम और तुम्हारा भाई। हो गई तुम्हारी इज्जत अफजाई, बहुत भरम से गई थी ना आरेज के पास तुम। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि इस घर में क्या कयामत गुजर रही है? कितनी बेहिस हो तुम। दुख की घड़ी तो गुजर गई है, लेकिन अब जो होगा ना वो उससे भी बुरा होगा। आरेज ने तो पहले ही तुम्हें अपने दिल से कबूल नहीं किया था, तुम तो सिर्फ उसकी जिद हो। बहुत जल्द वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने अभी कमरे से निकाला है। मुकद्दस ये क्या कह रही है, आरिज ने बदतमीजी की है तुमसे? नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मुकद्दस झूठ मत बोलो, बताओ ना अपने भाई को कि तुम्हारी आरिज की जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। भाई इसकी बातें नहीं सुनी, ये फजूल बोलती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फजूल बातें नहीं कर रही मुकद्दस, तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ आरेश से पूछ लो, जाओ। भाई भाई मेरी बात सुने, भाई क्या कहा आपने मेरी बहन से? यही कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आपको मेरी बहन से इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। बीवी है वो मेरी, जैसे चाहे बात कर सकता हूं, जैसे चाहे रवैया रख सकता हूं। लिसन आरेश, ये सिर्फ आपकी बीवी नहीं मेरी बहन भी है, और कोई भी भाई अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकर जा रहा हूं मैं इसे यहां से।
जब आप सीधे मुंह बात करने को राजी हो जाए ना तो बुलवा लीजिएगा। चलो मुकद्दस। नहीं नहीं भाई, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुकद्दस तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इनका बिहेवियर देखा तुमने? सब कुछ करने के बावजूद वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। भाई कोई तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना मुकद्दस। लेट्स गो। भाई ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। आप खुद बताएं, क्या इन हालात में आरेस को, भाभी को, मामी को छोड़कर जाना सही बात है? बताएं आप। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे यहां रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरेस अब तुमसे पहले से भी ज्यादा नफरत करेगा। वो जो मर्जी करे, तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दुख बांटने आई हो ना यहां, तो बेहतर है यही करो। लोगों के दिलों में नफरत ना पैदा करो। चलिए भाई। ओके। क्या कर रहे हो ये? क्यों खामखा तमाशा बना रहे हो? हारून सर से मेरा भी बहुत अरसे तक ताल्लुक रहा है। मुझे भी के जाने का उतना ही दुख है जितना आप सब। दुख तो क्या होता है तुम्हें नहीं पता? तुम यहां सब नंबर बनाने आए हो चाचू और आगा जी के सामने। क्या हो गया यार, क्यों खामखा तमाशा लगा रहे हो? अरे सोग वाला घर है, कुछ तो ख्याल करो। आगा जी, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं ख्याल करूं, तो इसको कहीं यहां से चला जाए, वरना इसको धक्के दे के निकालूंगा मैं यहां से। सिर्फ आगा जी और हारून सर का ख्याल करो, वरना हाथ मेरे भी तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। धमकी की सोच कर रहे हो? अरे आरेस, अरे क्या बचपना है ये? बचपना ही तो नहीं खत्म हो रहा सर इनका। कभी मेरी अम्मी को धमकाने मेरे घर पे आ जाते हैं, कभी मुझे डराने, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी। मैं चाहूँ ना तो पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवा सकता हूँ, और फिर आप सब कुछ जानते हैं कि क्या होगा। फिर से धमकी? आरेस बस बहुत हो गया। आबिस, आबिस तुम जाओ यहां से। आबिस मैंने कहा जाओ यहां से। ये क्या तरीका है आरेस? वो यहाँ पुरसा देने आया था और तुमने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। ठीक है, पहले तो मुकद्दस की वजह से तुम उससे चिड़े हुए थे, लेकिन अब क्या वजह है जिसकी वजह से तुमने उससे झगड़ा शुरू कर दिया? वजह अभी भी मुकद्दस है आगा जी। ये जो आबिस है ना, एक घटिया आदमी है। शादी के बाद भी मुकद्दस का पीछा नहीं छोड़ा, और तो और मुकद्दस भी। आरेस खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी और निकालो बस। जो बताना था मैंने बता दिया। रही बात उसकी, तो उसको तो मैं जान से मार दूंगा। इतना गुस्सा है मुझे उस पर, क्योंकि ये करने से पहले मैं सोचूंगा भी नहीं। ये बात आप सब जान लें। ये आबिस का क्या झगड़ा है आरेस के साथ? अरे कुछ नहीं, वो ऐसी मामूली सी बात पर दोनों की बहस हो गई थी बस, और कुछ नहीं है सब। जी नहीं, वो मुकद्दस को अपनाना चाहता है। मायरा फजूल की इल्जाम तराशियां मत करो। इल्जाम तराशियां नहीं कर रही डैड, ये सच है।
एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। या खुदाया, कितनी चालाक लड़की है ये, शादी के बाद अभी भी क्यों मिल रही है ये आबिद से भाई? क्योंकि वो भी उसमें इंटरेस्टेड है। बस कर दो, हद होती है एक बात की, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुकद्दस एक सुलझी हुई समझदार लड़की है और इन तस्वीरों से कुछ साबित नहीं होता। वैसे भी मुकद्दस ने आरिस से अपनी मर्जी से शादी की है। मर्जी से? मर्जी से नहीं, उसे सजा देने के लिए की है डैड, और वो भी आबिद से सिर्फ इसलिए मिली है कि आरिस जेलस हो। कोई भी लड़की बिना किसी वजह के किसी अनचाहे मर्द से हरगिज भी शादी नहीं करेगी, और आरिस जैसा लड़का क्यों बर्दाश्त कर रहा है वो ये सब कुछ? मर्द है, तीन लफ्ज बोलकर छोड़ सकता है उसे। बकौल तुम्हारे वो लड़की इतनी चलाक है, कैरेक्टर लेस है। मायरा झूठ क्यों बोलेगी, जरूर कुछ तो है ना, ऐसे ही तो नहीं कहेगी वो। बात सच और झूठ की नहीं है नौरी, हर इंसान सिचुएशन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और बताता है, और मुझे भी मायरा के पॉइंट ऑफ व्यू पर डाउट है, क्योंकि आरिस से इसकी दोस्ती है और जो कुछ भी ये कह रही है वो पूरा सच नहीं है। डैड आपको तो पता नहीं क्या ही मसला है आरिस से, हमेशा उसे गलत ही समझते हैं आप। बाप हूं तुम्हारा, दुनिया देख रखी है मैंने, इसलिए कह रहा हूं आरिस मुझे पसंद नहीं है, और ना ही तुम्हारा यूं बेतकल्लुफ होकर उससे बातचीत करना। तो इसलिए बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी कि उसे कजन की हैसियत तक रखो, बात इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। यह आबिस वाला क्या चक्कर है भाई? आपको भाभी ने कुछ बताया? यानी ईमन को भी पता, और एक शख्स जिसे नहीं पता वो मैं हूं, तुम्हारा भाई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मुकद्दस, भाई बहनों के मसले हल करने के लिए होते हैं, परेशान होने के लिए नहीं। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उससे बात कर क्यों रही? ये वही शख्स है ना जो ऐन शादी के वक्त गायब हो गया था, जिसकी वजह से तुम्हें आरिस जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ी। क्यों करिए तुम उससे बात, बताओ। जो कुछ भी मुकद्दस के साथ हुआ उसका कसूरवार आबिस नहीं है, बल्कि आरिस। नहीं भाभी, इस भाई को मत बताए। क्या क्या मतलब है आरिस? मास, मुकद्दस को आरिस ने किडनैप करवाया था। क्या? आरिस! मास, 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 मास! क्या हो गया? मास, 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 आप क्या करें? मास छोड़े! मास, मास, क्या हो गया तुम्हें? अब आसों में तो हो, चलो जनाब। आगा जी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने दो मर्तबा मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं आगा जी, पूछे इससे, पूछे इससे क्यों की इसने मुकद्दस की जिंदगी बर्बाद। प्यार तो इससे हो नहीं सकता, तो क्यों करवाया था इसने उसे किडनैप? और यही नहीं, दो मर्तबा ये आबिस की अम्मी के पास गया, उनकी बेइज्जती की, उन्हें धमकाया, मुकद्दस के किरदार पर कीचड़ उछालता रहा। ये क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि जिद बन गई थी मेरी, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था इसके आगे, लेकिन इनकार कर दिया तो मैं क्या करता? जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे रिजेक्ट किया था। हर लड़की को एक नजर से देखने की गलती तुम्हारी है, उस गलती की सजा तुमने मेरी बहन को दी। हाँ, और तुम जो अपनी बहन को बहुत शरीफ समझते हो, ये ऐसी बिल्कुल नहीं है। अपने साथ की हुई और ज्यादती का हिसाब रखा है इसने, और बदला भी ले रही है, लेकिन जो गलती इससे की है वो सबसे बड़ी है। आज इसकी वजह से मेरा बाप इस दुनिया में नहीं। इसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गए हैं वो। डिसअपॉइंटेड थे वो तुमसे, किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे थे, इसलिए गए हैं मामू। अपने गिरेबान में झांको आरिस,
अपनी गलतियों को अपनाना सीखो, उन्हें दूसरों पर डालना छोड़ दो, तभी लाइफ में कुछ कर सकोगे, वरना ऐसे ही रह जाओगे तुम। और शट अप, तुम बताओगे जिंदगी कैसे गुजारूंगा मैं? तो ठीक है, गुजारो जैसे जिंदगी गुजारना चाहते हो, बल्कि गुजारोगे भी क्या, बर्बाद करो जैसे बर्बाद करना चाहते हो तुम। लेकिन मेरी बहन की जिंदगी मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा। लेकर जा रहा हूं मैं मुकद्दस को अपने साथ। ठीक है, ले जाओ उसको, अभी कोई मरा नहीं जा रहा इसके लिए, ले जाओ। सुन लिया तुमने, इतनी इंसल्ट के बाद भी यहां पर रुकना चाहती हो तुम? चलो मेरे साथ चलो। मास सारे रास्ते आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और आप इतने गुस्से में हैं कि भाभी को भी घर लाना भूल गए। भूला नहीं हूं मैं, जानकर छोड़कर आया हूं घर उसे। भाई आप आरेस की वजह से भाभी को क्यों जहनी अजियत दे रहे हैं? इस तरह आप में और आरेस में क्या फर्क रह जाएगा आप बताएं? देखो मुकद्दस, आरेस ने जिस तरह से तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है ना, मैं इमन के साथ ऐसा कुछ नहीं करता। उसकी खुशी का बहुत एहसास है मुझे, लेकिन आरेज और मामी मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ बैठे। उन्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ कुछ भी करते रहेंगे, तुम्हें कुछ भी बोलते रहेंगे और मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा? उन्हें को बहुत कुछ हो सकता है मुकद्दस। लेकिन भाई ये गलत है ना भाभी के साथ? गलत है तो गलत सही, कल अम्मी के सामने नजरें तो मिला सकूंगा ना, उनसे ये तो कह सकूंगा कि अपनी खुशियों की खातिर मैंने अपनी बहन की जिंदगी को जहन्नुम नहीं बनने दिया। भाई खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से वहां रह रही। देखो तुमने उस वक्त जो की थी ना वो बहुत बड़ी बेवकूफी थी, मैं भी पागल था जो तुम्हारे निकाह की हामी भर। होना तो ये चाहिए था कि मैं उस वक्त तुम्हें रोकता तो आज ये नौबत ना आती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम अब यहीं रहोगी अपने घर में और वहां जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, समझी? तो आखिर इस तरह से एमन को छोड़ के जाने का क्या मतलब लूं? आगा जी आप उसे फोन करें और बुलाएं यहाँ पर। देखो जज्बातीपन और गुस्सा अक्सर मामलात खराब कर देता है बहू। मामलात खराब करने ही की तो नीयत है मास की, तभी तो उसने किसी बात का लिहाज ही नहीं किया, ये भी नहीं सोचा कि अभी हारून को गए वक्त ही नहीं गुजरा, उनके गम में निढाल है हम लोग, और वो है कि उसको अपनी बहन के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया, हाथ पकड़ा और चला गया। मामा आपको कोई जरूरत नहीं उसकी मिन्नतें करने की या फोन करवाने की, अगर उसमें इतनी अकड़ है ना तो रखे अपनी बहन अपने पास, इमन भी यही रहेगी। बेटा जब बाप का साया सर से उड़ जाता है ना तो घर के बेटे को ही जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, और इन जिम्मेदारियों में माँ के साथ बहन का घर भी बसा रहे ये सब इनमें शामिल होता है। बाप जिंदा था तुम्हारा तो तुम्हारी लापरवाहियों को संभालने के लिए वो तुम्हारे पीछे खड़ा रहता था, अब हर कदम को सोच समझ के उठाना पड़ेगा तुम्हें आरेज। और कसूर तो मुकद्दस का भी नहीं था जिसे तुमने बिना किसी वजह के अजियत दी, उसके किरदार को सबकी नजरों में सवालिया निशान बना दिया। चलो पहले तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब तो तुम इसके शौहर हो, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी बीवी की इज्जत खुद भी करो और दूसरों से भी करवाओ। आगा जी मैं नहीं मानता उसे अपनी बीवी। तुम्हारे न मानने से न रिश्ता खत्म हो सकता है और ना ही हकीकत बन गई। अगर तुम दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत है तो अलग हो जाओ। बहुत जल्द अलग हो जाएंगे। हाँ इसका एक ही हल है, मैं बात करता हूँ माज और मुकद्दस से, एक दूसरे की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के बजाय तरीके से राहें जुदा कर लेनी चाहिए।
तुम परेशान मत हो, हम शाम में मिलते तो बात करते हैं। ओके आबिस सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसे गुड न्यूज़? मुकद्दस को माज अपने घर ले गया है। क्या? पर मुकद्दस, वो चली गई उसके साथ, उसने माज से कुछ भी नहीं कहा। नहीं, वो क्या कहेगी, दोनों के बीच में वैसे भी कौन सा इतना प्यार है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेंगे। क्या सोच रहे हो? अगर तुम अभी भी उसको पाना चाहते हो तो मुझे बताओ, बाकी आई मैनेज। क्या करोगी? दोनों के बीच में जो दूरियां हैं कभी खत्म नहीं होने दूंगी। आरिस कहाँ जा रहे हो? आरिस वहां में एक इंटरव्यू है, शायद आज मुझे जॉब मिल जाए। इंटरव्यू देके घर आ जाना, एमन को मास की तरफ लेके जाना है और मुकद्दस को तुम्हें साथ लेके आना है। वो मैं ऐसा कुछ नहीं करने लगा, माज मुकद्दस को लेकर गया था पर ईमन को छोड़कर, उसको लगता है वो मुझे ब्लैकमेल कर सकता है, आज ही उसकी गलतफहमी भी दूर हो जाए। आरिस तुम कुछ ईमन का तो सोचो। मोम शादी के बाद लड़कियों की खुशियों की जिम्मेदारी उसके शौहर की होती है, उसके भाई की नहीं। हद हो गई है, यानी माँ बाप जबानी कलामी बात करते हैं कि बच्ची पराई हो गई, लेकिन तुमने तो दिल से सोच लिया है कि ऐमन पराई हो गई और इसीलिए उसके दुख दर्द का तुम्हें कोई एहसास ही नहीं। अरे अपनी जात की नफी करके कभी अपनों के बारे में भी सोच लिया करो। आगा जी सुबह सुबह ना मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता और ना ही आपका कोई लेक्चर सुनना चाहता हूँ, और रही बात जात की नफी की तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ ताकि इस घर का खर्चा चल सके। अरे पैसों से आसानियां तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। आगा जी ये सब आपके जमाने की सोच हो सकती है, आज के जमाने की ये सोच नहीं है। यहाँ दिल में भी जगह वो ही बनाता है जिसकी जेब भारी हो। आगा जी कोई किसी को नहीं पूछता जब तक उसकी हैसियत ना हो। आप खुद को देख लें, जब आपके पास बैंक बैलेंस था, सब कुछ था, सब आपकी बात मानते थे, और आज, और जैसे ही सब कुछ खत्म हो, कोई भी आपको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं, ना ही मॉम और ना ही चाचू। आरिस तुम किस तरह बात कर रहे हो आगा जी से, इस तरह बात करते बड़ों से? कुछ गलत तो नहीं कहा इसने, बस जरा सा आईने ही तो दिखाया है। आगा जी मैं आरिस की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, आपको तो पता है ना वो कितना लापरवाह है। जब तक हारून थे तो वो फिर भी लिहाज कर लेता था, लेकिन अगर उसके आसरे पे छोड़ा तो इस घर के हालात और बदतर होते चले जाएंगे। आगा जी आप हमारे पास आ जाए ना, घर में किसी बुजुर्ग की सरपरस्ती लाजमी होती है। अच्छा ठीक है, ये तो बात की बातें हैं, तुम जाओ जाके ऐमन से कहो कि तैयार हो जाए, मेरे साथ जाएगी। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, माफ करो। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, माफ करो। माफ कर देना। अल्लाह हर ख्वाहिश पूरी करे, अल्लाह हर तमन्ना पूरी करे, अल्लाह हर दुआ कबूल हो। अल्लाह के आप खुद को देख लें,
जब आपके पास बैंक बैलेंस था, सब कुछ था, सब आपकी बात मानते थे, और आज, और जैसे ही सब कुछ खत्म हो, कोई भी आपको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं, ना ही मॉम और ना ही चाचू। अपने गिरेबान में झांको आरिस, अपनी गलतियों को अपनाना सीखो, उन्हें दूसरों पर डालना छोड़ दो, तभी लाइफ में कुछ कर सकोगे, वरना ऐसे ही रह जाओगे तुम। एक बार तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन दोबारा अगर आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। हेलो, अरे भाई बात करो ना, फोन किया है तो बोलते क्यों नहीं? आगा जी, मुझे आपसे इतना हार्श होकर बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या करूं आगा जी, मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आता, जो मुंह में आता है बोल देता हूं बस। यही तो मसला है तुम्हारा कि तुम अपने लफ्जों के तीरों से अपनों ही का दिल छलनी कर देते हो। हारून, यही गम लेके इस दुनिया से चला गया, और मुकद्दस तुम्हारे इस अंदाज को सह नहीं सकी। राम है तो बेटा, मेरे पास तो चंद सांसें रह गई हैं, आज जिंदा हूं, तुम्हारे बाप के पास चला जाऊं, लेकिन तुम्हें अभी बहुत जीना है, बहुत सीखना है, बहुत कुछ देखना है। अगर इसी तरह तुम अपनों की दिल आजारी करते रहे ना, तो तना रह जाओगे एक दिन, बिल्कुल तना बेटा। मोहब्बत तेरे रास्ते में, बहुत से I'm sorry भाभी, भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गए, उनका गुस्सा करना कुछ गलत नहीं था मुकद्दस, लेकिन उन्होंने गुस्से में जो कुछ किया वो सही नहीं था। बेटा ये मास कहाँ है, अभी आया नहीं ऑफिस से? नहीं आगा जी, वो तो ऑफिस गए ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ उन्हें, उनकी तबीयत ठीक है? हाँ बस सर में बहुत दर्द है, और आपको तो पता है सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते वो, इसलिए मेडिसिन लेके आराम कर रहे हैं। मैं आती हूँ। देख लो, आपके सर में ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। मास नहीं, मैं ठीक, तुम आ गई हो तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मेरी इतनी अहमियत है आपकी जिंदगी में कि मेरे आने पे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो फिर क्यों आप मुझे मेके छोड़ के चले गए थे? गुस्सा था। तो क्या आप गुस्से में रिश्तों को या अपने प्यार को भूल जाएंगे? आपने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं कितनी परेशान होंगी, इतनी परेशान होंगी कि आप मुझे ऐसे छोड़ के चले गए। क्या सोचती होंगी मामा के सामने, कितना लेट डाउन फील कर रही होंगी? आप नहीं जानते मास, मैंने हमेशा आपकी अकलमंदी, आपकी समझदारी, आपके रख रखाव की कितनी तारीफ की है मामा के सामने। क्या सोचती होंगी
कि आप भी गुस्से में अपनी सारी हदों को पार कर सकते हो। मैं सारी हदों पार नहीं करता, लेकिन आरिज ने जो किया तुम्हें पता तो है ना। तो आरिज जो कुछ भी किया उसकी एक सजा मुझे सिर्फ इसलिए देंगे क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। कल को खुदा ना खास्ता उन दोनों के रिश्ते में कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? नहीं, एक मिनट, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरा सुकून, सब कुछ तुम हो। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मुकद्दस बेटा, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूँ। आगा जी, भाई नहीं चाहते कि मैं वहां वापस जाऊं। नहीं, मैं मास की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम क्या चाहती हो? हमारा एक साथ कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैं आरिज के लिए सिर्फ एक जिद हूं और वो मेरे लिए अपनी अजियतों का इंतकाम लेने का जरिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो गैरों को तकलीफ में देख के परेशान हो जाया करती थी, वो कभी अपनों की अजियतों का सबब भी बनूंगी। मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी आगा जी, उसने मुझे ऐसा बना दिया है। इसलिए बेहतर यही है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। नहीं बेटा, अलग हो जाना या राहें जुदा कर लेना कोई मसले का हल नहीं होता। तुम दोनों को अपने इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए।